शैतानी शक्तियाँ हमें नुकसान पहुँचाने के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में हमारा पीछा करती रहती हैं। हम चाहे जहाँ भी चले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। कभी कभी जिंदगी में जब हमारा सामना इन शक्तियों से हो जाता है तो हम या तो मौत के शिकार हो जाते हैं या फिर एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिससे अच्छी हो मौत। पिछले कई दिनों से आसपास के इलाकों से लोगों के गायब होने की और उनकी बेरहमी से कत्ल होने की खबर आ रही थी। इन सब के पीछे एक प्रेतात्मा का हाथ माना जा रहा था, लेकिन मैं इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मुझे हमेशा लगता था कि शायद कोरोना वायरस के फैलने से जो मौतें हो रही हैं उसी की आड़ में ये मीडिया वाले अपनी TRP बढ़ाने के लिए कुछ भी बके जाते हैं। मैं पास के हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय का काम करता हूँ। पहले कर्फ्यू और अब लॉकडाउन, मुझे रोज की तरह अपनी ड्यूटी करने जाना पड़ता है। मैं अपने माँ बाप से दूर अपनी मौसी के यहाँ रहता हूँ। 4 दिन पहले अचानक ही फटे कपड़े पहना हुआ एक अनजान शख्स जख्मी हालत में हमारे हॉस्पिटल में आ घुसा और डर के मारे चिल्लाने लगा। उसके चेहरे पर साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। हम सब ने मिलकर किसी तरह उसे शांत किया। हमारे पूछने पर उसने एक प्रेतात्मा का जिक्र किया, एक ऐसी प्रेतात्मा जो अपने शिकार को मारने के बाद उसका रूप ले लेती है, खासकर जो शख्स उसका राज जान जाता है और अपने सड़ते हुए शरीर को बचाने के लिए वह अपने शिकार को पूरी तरह नोच डालती है। ऐसा करने के बाद उसकी भूख और बढ़ जाती है और वह हमेशा अपने नए शिकार की तलाश में रहती है। एक बार उसकी नज़र अगर तुम पर पड़ जाए तो तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, उससे कभी नहीं बच पाओगे। तुम्हें मारने के बाद वह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगी जैसा कि वो अपने शिकार के साथ करती आई है, और तुमने जिस किसी को भी उसका ये राज बता दिया वह उसे भी मार डालेगी। इतना कहकर वो आदमी अचानक ही वहाँ से भाग निकला। बाद में मुझे मेरे माँ बाप का फ़ोन आया जहाँ उन्होंने भी एक प्रेतात्मा का जिक्र किया, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कह पाता उन्होंने ये बात मेरी मौसी को भी बता दी। और अगले ही पल मुझे मेरी मौसी ने फ़ोन किया कि मेरे माँ बाप का किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया है और उनकी लाशों को किसी ने बुरी तरह से नोच डाला है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं समझ गया कि इसके पीछे किसका हाथ है। अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जब मैं घर पहुंचा, तो देखा कि मेरी मौसी का भी ठीक उसी तरह कत्ल हो चुका है जैसा कि मेरे माँ बाप का। उनकी लाश को भी उस प्रेतात्मा ने नोच डाला और कमरे में चारों तरफ खून ही खून। ये देखकर मेरा दिमाग एकदम सुन पड़ गया। मैं समझ गया कि वो प्रेतात्मा अब मेरी ही तलाश में होगी और जल्द ही मुझे ढूंढ निकालेगी। मैं बस किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने एक दोस्त के घर चला गया और पिछले 4 दिनों से अब तक एक एक पल डर के साए में जी रहा हूँ। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खटकने लगा। दरवाज़ा खटकने की वो आवाज़ धीरे धीरे और ऊंची होती गई। मैं समझ गया कि बाहर कोई और नहीं बल्कि मेरी मौत खड़ी है। वो प्रेत आत्मा अब मुझे मार डालेगी और मेरा रूप ले लेगी, क्योंकि मैं उसका ये राज जान चुका हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि उसका राज मैंने आपको भी बता दिया है। उम्मीद है कि कहीं उसका अगला शिकार आप ना हो जाए। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।